यहोशू अध्याय 9 यहोशू अध्याय 9 गिबोनियों का छल। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, पेरिज्जी, हिव्वी और यवूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो को और ऐसे क्या क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जुड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांव में पुरानी गाठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इसराइली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इसराइली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं के से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने अपने घर में यह रोटी गरम गरम और ताजी ली थी, परंतु आज देखो अब यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ने और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे मध्य में ही बसे हैं। तब इसराइली कूच करके 3रे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए और इसराइलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी कि तब सारे मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर यहोवा के प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया,
तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवस्था का हमारे साथ तैसा ही व्यवहार हमारे साथ करना। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इसराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा ने चुन ले उससे में उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है।